नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि वह समय भी आने वाला है जब लोग गंभीर बीमारियों के लिए एम्स नहीं छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इलाज कराने की बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने बुधवार को छिंदवाड़ा में इस इंस्टीट्यूट से संबंधित 1614 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और कार्डियक सेंटर का भूमि पूजन किया। इसके तहत कुल 2500 बिस्तर वाला अस्पताल बनेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को राज्यपाल लालजी टंडन से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को उनके जन्मदिन की बधाई दी और पुष्प गुच्छ और शॉल श्रीफल से सम्मानित किया। दतिया में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान उनकी समस्याएं जानी। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस पर सिंधिया ने कहा कि बात इसलिए नहीं सुनी जा रही है कि आप रक्षा सिरोनियों का ट्रांसफर करा रहे हैं। घनश्याम जी को लाना चाहते हैं, जिसे मैं नहीं जानता उसे हटाओ, जिसे जानता हूं उसे लाओ, यह चल रहा है। सिंधिया ने कहा कि दतिया में ट्रांसफर उद्योग बंद किया जाए। मध्य प्रदेश के पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा है कि हम पानी के अधिकार कानून पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले में दंड को लेकर कहा कि यदि दंड नहीं होगा तो इस बड़ी योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दंड किस रूप में हो इस पर विचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में गांजे की खेती को वैध करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि सरकार प्रदेश को नशे के दलदल में धकेल रही है। शिवराज के बयान पर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि यह गांजा नहीं, हेम्प है, इससे कैंसर जैसी बीमारियों की दवाएं बनाई जाएंगी। मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री ओमकार सिंह मरकाम का कहना है कि मध्य प्रदेश में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों के विशेषज्ञों से आदिवासियों के संरक्षण, विकास और जीवन को लेकर विचार जानेगी, जिनकी रिपोर्ट बनाकर आगे नीति बनेगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि राजधानी के चार इमली क्षेत्र में दो सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए आईएएस एसोसिएशन को बंगलों का किराया देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन चाहे तो हम किश्त की सुविधा दे सकते हैं। गैस राहत और पुनर्वास मंत्री आरिफ अकील ने कहा है कि गैस पीड़ितों के नाम पर धंधा करने वालों को बेनकाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार की स्मृति को कायम करने के लिए वह सभी के परामर्श से निर्णय लेंगे। हनी ट्रैप मामले में कथित बातचीत का वीडियो सामने आने के बाद पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने सोशल मीडिया पर खुद का वीडियो जारी करके कहा है कि उनके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र किया गया है। शर्मा का कहना है कि उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, जिसके पीछे तमाम बड़े षड्यंत्रकारी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 48 जिलों में 800 भाजपा मंडल अध्यक्षों का चुनाव करवा लिया है। अब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के मद्देनजर भाजपा के जिला अध्यक्षों का चुनाव भी एक ही दिन में होगा। इस सिलसिले में 30 नवंबर को 56 संगठनात्मक जिलों में अध्यक्षों के निर्वाचन की तैयारी की जा रही है। महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के स्थान पर पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रहे स्वर्गीय अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाने के मामले में अब आजाद के प्रपौत्र अमित तिवारी आजाद ने राज्यपाल से मुलाकात करके नाराजगी व्यक्त की है। तिवारी ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि इस अवधि में आजाद की प्रतिमा वहां नहीं लगाई गई तो वह नानकी पेट्रोल पंप के सामने 2 दिसंबर से उपवास करेंगे। महापौर आलोक शर्मा ने भी उपवास करने की धमकी दी है। मध्य प्रदेश में राज्य सेवा भर्ती में कमजोर आर्थिक पिछड़ों को 2 जुलाई से पहले के रिक्त पदों पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं मिलेगा। इस बारे में कहा जा रहा है कि पूर्व में रिक्त पदों पर यह नियम लागू नहीं होता। सपाक्स के संयोजक हीरालाल त्रिवेदी ने कहा है कि इस फैसले से जीएडी अफसरों की दुर्भावना नजर आती है। सरदार सरोवर बांध प्रभावितों को उचित पुनर्वास और अन्य पैकेज देने को लेकर आंदोलनकारियों का धरना और प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक लिखित आदेश जारी नहीं हो जाता उनका धरना जारी रहेगा। बेस्ट स्मार्ट सिटी के सम्मान से सम्मानित भोपाल की असली तस्वीर तो यह है कि अभी तक 1300 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं लेकिन लोगों को सहूलियत नहीं मिली है। टीटी नगर और एडीवी एरिया में 18 किलोमीटर सड़कें बनना है लेकिन अब तक सब कुछ अधूरा है। स्मार्ट सिटी के चीफ इंजीनियर का कहना है कि साइट क्लियर करने में देरी हुई, इस वजह से काम धीमा है। भोपाल के पुराने शहर के कई इलाकों में बहुत से घरों में 3 माह से रीडिंग नहीं होने से रहवासी परेशान हैं। इन लोगों को आशंका है कि एक साथ बिजली का बिल आने से उन पर आर्थिक भार आएगा। उधर इस बारे में अधिकारियों का कहना है कि 1-2 घरों में ऐसी गलती हो सकती है लेकिन समानता अधिकांश घरों में रीडिंग की जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।